हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ मैदे और रवा का खजूर बनाएं जो काफ़ी टेस्टी और यमी होते हैं। इसके लिए मैंने 2 केजी के लगभग, 2 से 2.5 केजी के लगभग मैंने मैदे लिए हैं, 250 ग्राम के लगभग रवा लिया है, थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग मैंने सौंफ लिए हैं, नारियल के कुछ बुरादे हैं, 2 से 3 चम्मच के लगभग मैंने 2 कटोरी के लगभग मैंने चीनी लिए हैं, ये लगभग 750 ग्राम के लगभग आधे चीनी पड़ते हैं इसमें। इन सब को सारी सामग्रियों को अच्छे से आप सबसे पहले सारे मसालों को अच्छे से आप मिला लें इसमें, जो मैंने बताया है सौंफ है, आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। 1 कटोरी के लगभग मैंने ये लगभग 250 ग्राम से 100 ग्राम के लगभग ये रिफाइन है, जिसको आप हल्का सा गुनगुना कर ले और इसे डाल करके अचमोयन है, जिसे आप इसके जगह घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करें, पूरे अच्छे से मिक्स करें, लगभग 10 मिनट लगते हैं मिक्स करने में। जब मुट्ठी बंधने लगे तो आप इसे अच्छे से पहले मिक्स कर ले सारे को, उसके बाद में आप इसे अच्छे से मुट्ठी बंधने लगे। आप देख सकते हैं कि अभी हल्का हल्का बंधने लगा है। इस प्रोसेस में आप जब इस तरह का हो जाए तब जा कर के आप इसमें 2 कटोरी के लगभग जो मैंने चीनी लिए हैं उसे भी आप इसमें डाल ले अच्छे से। जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इसमें इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करते वक्त थोड़ा पेशेंस से मिक्स करें। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छे से मुट्ठी बंध रही है इसकी। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से ये इतनी खस्ता और तैयार हो चुका है। इतनी खस्ता होती है ये कि क्या बताऊं मैं इसमें। अब आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से ऊपर से नीचे ले करके अच्छे से इसे पूरी तरह से मिक्स करें, जिससे ये पूरे में मिक्स हो जाए और अच्छा टेस्ट भी इसका अच्छा है। इस तरह से जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इसे मिक्स करते रहे। थोड़ी देर में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरा। ये पूरी सामग्री लगभग 3.5 केजी के लगभग होगा। इसमें थोड़े थोड़े पानी, एक बार में अधिक पानी ना डालें, थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे इस तरह से मैं जैसे थोड़े थोड़े पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ उसी तरह से आप भी करें। पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही टेस्ट। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हल्का हल्का पानी आप डालते रहें और इसे मिक्स करते रहें, एक अधिक ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो जो कि खस्ता नहीं बनेगा। इसलिए आप थोड़े थोड़े ही पानी का यूज करें। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे 2 मिनट के लिए आप रेस्ट के लिए छोड़ दें। उसके बाद में इसके छोटे छोटे मैं पेड़े बनाऊंगी। चलिए मैं इसे रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। इस तरह से आप भी इसे रेस्ट पे 2 मिनट के लिए छोड़ दें और थोड़ी देर बाद में आप देख सकते हैं कि इसके अच्छे से चीनी भी मिक्स हो चुके हैं। छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बनाएं और आप चाहें तो इसे ग्रेटर पे रख करके आप इसको डिजाइन दे सकते हैं। डिजाइन बनाने वाली लकड़ी की मार्केट में मिलती भी है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें छोटे वाले भी ग्रेटर का आप यूज कर सकते हैं, जिसपे बहुत ही अच्छी डिजाइन बन जाती है। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो इस पर डिजाइन बनाइए, या छानने वाली जो आती है छन्नी उस पर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइन बन रही है। इसी तरह से आप दोनों से डिजाइन बना सकते हैं। मैं इस पर भी डिजाइन बना करके आप लोग को दिखा रही हूँ दोनों तरह का किस तरह की डिजाइन बन रही है। आप देख सकते हैं छानने वाली छन्नी से भी आप डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और पूरी चांद के आकार की डिजाइन बनेगी, जो आप लोग काफ़ी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। इस तरह से आप भी दबाएं, इसे पूरी तरह से पतला ना दबाएं, हल्का इसे मोटा ही रहने दें, तभी ये अच्छी बनेगी और बहुत ही टेस्टी और यम्मी होगा। आप देख सकते हैं इधर मैंने कुछ लोइयां बना रखी है, इसी तरह से आप भी छोटे छोटे लोइयां देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी डिजाइन है। छन जाने के बाद में ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा। आप देख सकते हैं इधर मैंने लोइयां भी कर ली, कुछ पेड़ जैसे बना भी लिए, कुछ मैं इस तरह से डिजाइन दे रही हूँ। इस तरह से आप भी डिजाइन दें। और इधर देख सकते हैं आपकी तेल भी मैंने, आप घी या रिफाइन ले सकते हैं छानने के लिए। इसे आप धीमी फ्लेम पे ही गर्म करें, अधिक तेज़ फ्लेम ना करें, नहीं तो ये जब डालेंगे तो अंदर से यह कच्चा रह जाएगा। देख सकते हैं इधर मैंने बना लिए हैं कुछ, तो चलिए इसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। इधर तेल को आप चेक कर सकते हैं, थोड़े से 1-2 दाने डाल करके मैं देखे लोइयाँ छोटी छोटी, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब आप ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी में आप एक एक करके, एक बार में अधिक ना डालें नहीं तो पलटने में दिक्कत होगी, इसलिए 4-5 या 6-7, बड़ी कढ़ाई हो तो 6-7 आप डाल सकते हैं इसमें।
रिफाइंड पूरे से डालें जिससे इसको छनने में कोई परेशानी ना हो और अच्छे से ये पक भी जाए। धीमी फ्लेम पर ही ये प्रोसेस करें, तभी ये अच्छे से अंदर से भी कच्चा नहीं रहेगा और बहुत ही टेस्टी और यम्मी होगा। इसे हल्का हल्का बीच बीच में आप देखते रहें जिससे इसका कलर दोनों तरफ से अच्छा और आए। इस तरह से आप लोग भी इसे पलटें और अच्छे से इसे दोनों तरफ से लट करके आप देख सकते हैं ये अच्छे से किस तरह से छन रहा है। इसी तरह से आप भी इसे बिल्कुल फ्लेम को तेज ना करें या ध्यान में रखें। और आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसे पलट करके, इधर मैं और भी बना रही हूँ, बीच बीच में आप इसे पलटते रहे। देख सकते हैं आप हल्का हल्का ये पिंक गोल्डन होने लगा है, दोनों तरफ से अच्छे से ये गोल्डन हो जाए, उसके बाद में ही इसे निकालें। इस तरह से एक एक करके आप इसे पलटते जाए और सावधानी से पलटे, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसी प्रोसेस से आप लोग भी इसे देख सकते हैं मैंने पूरे को पलट लिया है। आप भी इस तरह से ही एक एक करके पलटे और इसे फ्लेम को धीमी ही रखें। इस तरह से इसे लगभग ये प्रोसेस करने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तभी जा करके ये अच्छे से पक जाता है, पकता है, और धीमी फ्लेम ही रखें। इस तरह से मैंने सारे को पलट लिए हैं, आप भी इसी तरह से पूरे को एक एक करके पलटे, अच्छे से इसे पलटे और धीमी फ्लेम पर ही इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे पकाए। आप देख सकते हैं मैंने पूरे को एक तरफ से पलट लिया है, अब इसे पकने दे, थोड़ी देर इसे पकने दे, उसके बाद में दूसरे तरफ से भी आप इसे पलट सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर मैंने कुछ बना करके रख भी लिए हैं। इस तरह से आप लोग भी इसे छोटे छोटे लोइयाँ बनाएं और इसे डिजाइन देते हुए बनाएं, इस तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ। मुठियाँ अच्छे से हल्की हल्के पानी डालें और इसे इस तरह से बनाते रहें। हाथ उंगलियों की सहायता, फिंगर की सहायता से थोड़ी सी एनर्जी लगती है, लेकिन ये बनता बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। इसी तरह से आप भी इसे, आप देख सकते हैं ये गोल्डन पूरे हो चुके हैं एक तरफ से, अब मैं दूसरी तरफ से इसे पलटने जा रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा सुनहरा कलर आया है इसका। आप लोग भी इस तरह से, अब ये पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है, छन चुका है। आप इसे बड़ी वाली छन्नी की सहायता से इसे आप एक एक करके छन्नी में डालते जाए जिससे इसमें अंदर में रिफाइन ना रहे और अच्छे से सारी रिफाइन इसकी निचुड़ जाए और टेस्टी और यम्मी ये खस्ता इतना होता है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी ज़रूर इसे बनाए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी और यम्मी। इसकी खासियत है एक महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? थैंक यू।